नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त की ओर से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ICOs यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। तो क्या है ICOs और इंडियंस उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ICOs यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स तब होते हैं जब कोई ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी पहली बार अपना प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया लेके मार्केट में आती है, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करती है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले वो हमें कॉइन्स या टोकन्स देती है। तो ICO को समझने के लिए हम इसका कंपैरिजन IPO से कर सकते हैं। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो आप जानते होंगे कि IPO क्या है। IPO में भी ऐसा ही होता है कि एक कंपनी आती है मार्केट में अपने शेयर्स लेके और वो पैसा रेस करती है। ICO भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ICO में जब कोई कंपनी आती है तो वो कंपनी वेल एस्टैब्लिश नहीं होती, आप उस कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं। शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी पहली बार आता है तो वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश है, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोग यूज़ करते हैं और उस कंपनी को आप जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आता है तो वो आपको शेयर देता है। तो अगर आपने मारुति सुजुकी के 100 शेयर खरीदे, मतलब आप उसमें पार्ट ओनर हो गए। ICO में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ICO में पैसा डालते हैं तो आपको डेफिनेटली करेंसीज या टोकन्स मिलेंगे, लेकिन वो आप उसे ओन नहीं करते कंपनी को। आप सिर्फ उस करेंसी या टोकन को आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ICO और IPO में सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। ICO अपने कुछ और एलिमेंट्स बोरो करता है क्राउड फंडिंग से। अब क्राउड फंडिंग से आप वाकिफ है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर क्राउड फंडिंग वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि कोई भी इंसान आके अपना प्रोजेक्ट पब्लिक के सामने रखता है और पब्लिक उसमें पैसे इन्वेस्ट करती है। तो वो एक आके बोलेगा कि मुझे ये करना है, फलाना प्रोजेक्ट बनाना है, या वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट, घरेलू प्रोजेक्ट्स होते हैं, या छोटे मोटे जैसे बुक का प्रोजेक्ट हो सकता है, CD बनाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसमें पब्लिक इन्वेस्ट करती है। तो वो जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए किकस्टार्टर हो गया, GoFundMe हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, कॉज के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों का जैसे अगर डोनेट करना है या कुछ लोगों को अगर पैसा रेज करना है किसी अच्छे कॉज के लिए, तो उसके लिए भी लोग पैसा रेज करते हैं क्राउड फंडिंग के थ्रू। तो आपको तो ये भी नहीं पता कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंदा उस प्रोजेक्ट पे खरा उतरेगा कि नहीं। तो बहुत रिस्क होता है क्राउड फंडिंग में भी। तो थोड़ा सा ICO जो है थोड़ा सा IPO का एलिमेंट बोरो करता है और थोड़ा सा क्राउड फंडिंग का एलिमेंट बोरो करता है। ICOs को लेके मार्केट में इतना एक्साइटमेंट क्यों रहता है? देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप फेली क्लियर हो जाएंगे। इथेरियम का जब ICO आया था 2014 में, आप मानेंगे नहीं, कॉइन का प्राइस था ₹25 के आसपास। आज एक इथेरियम कॉइन का प्राइस है ₹90,000। ₹25 कहाँ, ₹90,000 कहाँ। तो आप सोचिए, अगर आपने ₹25 में, अगर आपने समझ गया 1,000 कॉइन खरीद लिए होते, मतलब 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 3 साल बाद आपका आज इन्वेस्टमेंट 90,000 × 1,000 यानी कि 9 करोड़ रुपए हो जाता। 1,000 कॉइन 9 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि वेल्थ कितना जनरेट हो सकता है ICOs के थ्रू। दूसरी बात, दूसरा एक ICO जो रिसेंटली आया था, वाबी नाम का ICO आया था, तो उसका प्राइस था कुछ ₹16 के आसपास, अगर इंडियन करेंसी पकड़े तो आगे पीछे 2-3 रुपए हो सकता है। ₹16 के आसपास था उसका प्राइस, आज उसका प्राइस है ₹290। देखिए, ऑलमोस्ट 20 times पैसा बन गया। तो ये बात है, ICOs को लेके लोग इसलिए एक्साइटेड होते हैं कि बहुत कम टाइम में आप उससे पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर ICO में पैसा बनाएंगे, कुछ ICOs पैसा डुबाती भी हैं। तो थोड़ा सा सेफ्टी भी जरूरी है फॉलो करना जब आप ICOs में इन्वेस्ट करें। तो ICOs के रिस्क के बारे में हम आगे थोड़ी और बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ICOs में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अगर आपके पास ज़ेप्पे या कॉइनएक्स या सरागी या ऐसे किसी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अकाउंट है तो आप ICOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले अकाउंट बना लें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी ICO में आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। तो उसके लिए अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, ICOrating.com है जहाँ पे आपको रेटिंग मिलेगा हर ICO के बारे में, जो एक्जिस्टिंग ICOs है, लाइव ICOs कौन से हैं, आने वाले ICOs कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको रेटिंग मिलेगा। ICOdrops.com, ऐसे बहुत सारे ICOrating वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ थोड़ा रिसर्च कीजिए ICO के बारे में। फिर आपको जो ICO में इंटरेस्ट है उस ICO के आप वेबसाइट पर जाइए। तो कई ICOs आजकल क्या करते हैं कि वो वाइट लिस्ट करते हैं आपके ईमेल IDs, मतलब आप जब ICO में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जब उसका ICO चालू होगा तो आप ही इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर आपने वाइट लिस्ट अपना ईमेल अपना वाइट लिस्ट में डाला होगा। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, वाजा कि आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, कहीं आपको साइन अप करने भी बोल सकते हैं तो आप साइन अप वगैरह कर लीजिए। तो ये आपने वाइट लिस्ट कर लिया। तीसरा जरूरी चीज़ ये है कि आपके पास आपका खुद का वॉलेट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप डायरेक्टली कॉइनएक्स ज़ेप्पे से आप ICOs में इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
मोस्ट आईसीओज आपको बोलेंगे कि आप अपने खुद के वॉलेट से करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉइनेक्स या जेप्पे से आपको इथेरियम या बिटकॉइन खरीद के, जेप्पे तो सब सिर्फ बिटकॉइन खरीद सकते हैं, उसको आपको अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर अपने खुद के वॉलेट से उस आईसीओ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वरना ये होगा कि जब टोकन्स उसके बटेंगे, तो कई आईसीओज क्या करते हैं जब टोकन्स बटते हैं उनके, तो वो लोग अपने खुद के अकाउंट में कुछ कुछ रख लेते हैं, खुद का उनके वॉलेट्स होते हैं तो वो लोग वहां आपको रखने देते हैं, वरना वो क्या करते हैं आपके वॉलेट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो आप अगर अपने एक्सचेंज के वॉलेट से आप अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, तो वो आपके पास टोकन्स नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको प्राइवेट कीज लगते हैं टोकन्स देने के टाइम पे। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने खुद का वॉलेट रखें। तो बिटकॉइन के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है जैक्स है, एक्सोडस है, तो दो तीन वॉलेट्स हैं वहाँ पे। अगर आपको इथेरियम में करना है तो जो मेरा फेवरेट है, मेरा प्रेफर्ड है, वो है माई इथर वॉलेट। तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, माई इथर वॉलेट का एक ट्यूटोरियल बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए जाके। तो अगर आपको किसी आईसीओ में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जिस दिन वो आईसीओ लॉन्च हो, जिस समय पे लॉन्च हो, आप उसी समय जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। करना आपको कुछ नहीं है, आपको अपने बिटकॉइन या इथेरियम वॉलेट से आपको बिटकॉइन और इथेरियम उस वेबसाइट पे ट्रांसफर करना है आईसीओ की वेबसाइट पे, और वहां पे आपको उस बिटकॉइन या इथेरियम के बदले आपको आईसीओ के टोकन्स खरीदना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स वर्ल्ड ओवर आप आईसीओस खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप तैयार रहें, क्योंकि कई आईसीओस तो दो दो तीन तीन घंटे में बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका हार्ड कैप एक टारगेट होता है, कई आईसीओस एक दिमाग में एक टारगेट रख के आते हैं कि इतना पैसा हमें रेस करना है, तो अगर वो हार्ड कैप और टारगेट मीट हो गया तो आईसीओ बंद हो जाएगा। तो जो पॉपुलर आईसीओस है कई तो एक एक दो दो घंटे में बंद हो गए। तो ये जरूरी है कि आप आईसीओ में जल्द से जल्द इन्वेस्ट करें। आईसीओ की वेबसाइट पर जब आप रजिस्टर करते हैं, तो आपको केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। केवाईसी में आपको आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। तो नॉर्मली आप आधार दे सकते हैं, पासपोर्ट का फ्रंट और बैक दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो वो भी एक केवाईसी प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मोस्ट आईसीओज आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बोलेंगे। तो जैसे मोस्टली आईसीओज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 0.1 इथेरियम, मतलब 10% इथेरियम का अगर आप पकड़ लें तो वो करीब 9,000 रुपये होगा। तो अगर आपको आईसीओज में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपको 9,000 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी आईसीओज में इन्वेस्ट करने के पहले। तो आईसीओ को लेके इतना एक्साइटमेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि देखिए, आप बहुत एक अर्ली स्टेज पे घुस रहे हैं। नॉर्मली स्टॉक्स या किसी नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट और जो काफ़ी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वही इतना जल्दी घुस सकते हैं। तो आईसीओस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके हमारे जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स भी बहुत जल्दी आईसीओ में घुस सकते हैं। तो कल को अगर वो कंपनी जाके अगली अमेजोन, अगली एप्पल, अगली गूगल बन गई, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बहुत टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक आईसीओ का ज़बरदस्त बात यह है कि आप पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ इंडिया में बैठ के, कहीं भी आप जहाँ इंडिया में हो वहाँ से बैठ के आप यूएस के कंपनी में, यूके के कंपनी में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहाँ चाहे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है। देखिए, हम कभी पहले अमेजोन या एप्पल या गूगल में इतने आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है आईसीओ। आईसीओ का एक और ज़बरदस्त बात यह है कि आपको वो एज एन इन्वेस्टर बहुत सही लिक्विडिटी देती है, मतलब आप बहुत जल्दी अपना पैसा आप कैश आउट कर सकते हैं। आईसीओ में टिपिकली होता यह है कि आप जब जाके टोकन्स खरीदते हैं तो टोकन सेल बंद होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद जाके वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में लिस्ट होता है, बाइनेंस में, बिट्रेक्स, पोलोनिक्स, ऐसे किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज में लिस्ट होता है। तो वहाँ पे आपके पास जो टोकन्स है आप बेच के आप उसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इतना जल्दी आप प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, उसे वापस आप इथेरियम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लें, या फिर उसे आप वापस अपने अकाउंट में ले आए जेप्पे पे या कॉइनेक्स पे, और उसे बेच के आप वापस INR में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त लिक्विडिटी, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट पोटेंशियल इतने कम टाइम में आपको आईसीओज देते हैं। लेकिन जहां पैसा है दोस्तों, वहां स्कैम्स भी होते हैं। तो कई आईसीओज सिर्फ पैसा लूटने में लगे हैं इन्वेस्टर्स का, आपके हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स उनका पैसा लेके भागने में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो प्लीज़ रिसर्च आप अपना ज़बरदस्त कीजिए, आईसीओ के वेबसाइट पे जाके पढ़िए। हर आईसीओ नॉर्मली वाइट पेपर लेके आता है, तो उस वाइट पेपर के बारे में पढ़िए, देखिए उस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी क्या बात कर रही है, कहीं वो टेक्नोलॉजी कॉपीड तो नहीं है। तो अभी जैसे पहले अभी जो बात चल रही है, दादी नाम का एक आईसीओ आने वाला है, तो उस आईसीओ ने थोड़ा सा उसका जो वाइट पेपर है वो प्लेजराइज किया, मतलब एक दूसरे एक प्रोजेक्ट से कॉपी किया। तो ये सब जो आपके रेड फ्लैग्स हैं इसको देखिए, देखिए लोग ट्विटर पे क्या बात कर रहे हैं, मेरे जैसे और जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं आईसीओस के बारे में, क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं वो लोग आईसीओस को लेके। तो ये सब पढ़ें, और आप उनके फाउंडिंग टीम के बारे में पढ़ें, मेंबर्स के बारे में पढ़ें, देखिए उस उन मेंबर्स को, नॉर्मली उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी होता है तो उसको जाके चेक करें। तो ये सब चेक पॉइंट्स है। देखिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आप अगर 8-10 हज़ार रुपये डाल रहे हैं तो ये ज़रूरी है, देखिए आपका हार्ड अर्न मनी है वो 8-10 हज़ार रुपये, मजाक नहीं चल रहा है, राइट? तो आपको जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप डेफिनेटली उस कंपनी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, जितना आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लीजिए, और उसके बाद आईसीओ में इन्वेस्ट कीजिए। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि एक अच्छे आईसीओ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको फिलहाल इतना ही बोलूंगा कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस बरतें, जितना रिसर्च हो सकता है आप करें इन्वेस्ट करने के पहले। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि ICOs होते क्या हैं, इंडियन ICOs में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ICO ज़बरदस्त तरीका है पैसा बनाने का, लेकिन मैं वही बोलूँगा थोड़ा कदम संभाल के चलिए। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये याद रखें कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका क्रिप्टो दोस्त हूँ जो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो मेरे एडवाइस को आप फाइनल एडवाइस मत लीजिए, प्लीज़ आप जाके अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें इन्वेस्ट करने के पहले। थैंक यू वेरी मच।